ये मार्केट बहुत फेमस होती थी, यहाँ पे तो बचपन में आते थे साइकिल चलाते चलाते। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज रहे हैं 1 एंड मैं निकल रहा हूँ शोरूम के लिए। आज थोड़ा लेट निकल रहा हूँ एंड ये रही हमारे रूम की वाइट लाइट। कैसी लगी है अच्छा? फाइनली वाइट लाइट आ गई। एंड अगर आपने नहीं देखा हमारा कल वाला ब्लॉग जाके देखो, वाइट लाइट से रिलेटेड अच्छा लगेगा। ये मैंने मंगाया अपने मोबाइल के लिए, इससे मैं ब्लॉगिंग करूँगा। ये ऐसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं, इसके ऊपर कैमरा आ जाएगा। एंड मैं अभी बस निकल गया हूँ, शाम के बज रहे 7 एंड मैं जा रहा हूँ घर। बीच में मुझे जाना है सब्जी मंडी, क्योंकि मुझे लेनी है घर के लिए सब्जियाँ। तो ये मैंने ले लिया, इतनी भीड़ हो रखी है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये वाली मार्केट थी ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत। ये देखो स्काई कितना सुंदर लग रहा है, कितना कलरफुल है ये ऑरेंज एंड ब्लू का शेड। तो नीचे से रनिंग करके आए हैं मैं और रिचा उरी। हमने यहाँ अभी किया, बहुत अच्छी रनिंग हुई है, अराउंड 2 किलोमीटर हम भागे। आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा फास्ट रनिंग नहीं हो पाई, बट अच्छी कैलोरीज बन हुई है। कैसा लगा रिचा रनिंग करके? हाँ अच्छा तो लगता है, इसलिए रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मिलते हैं डिनर टाइम पर। और आज हमारे यहाँ बन रहे हैं तंदूरी चिकन, बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है। और क्या बना रहे हो? इतनी सारी चीज़ें सब्जियाँ, ये सैंडविच। आप पिछले ब्लॉग में एकदम हीरोइन बन गए हो, सबको पसंद आ रहा है जो ब्लॉग कल रिलीज हुआ ना, सबको पसंद आ रहा है। आप जाके देखना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हाँ ये भी मम्मी ने, ये तंदूरी चिकन बाय सीमा कपूर है एंड जल्द किचन शुरू होने वाला है इनका, तो अगर आपको चाहिए तो ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ये देखो बन रहे, अभी कितनी देर और इसको रखना है? 10 मिनट्स। अभी बज रहे रात के 11, हमारा डिनर विनर सब कम्प्लीट हो चुका है, तो शायद हमें थोड़ी देर में फिर भूख लगे, फिर हम देखेंगे इस किचन में जाके कि हम क्या क्या खा सकते हैं। एंड आज की सबसे अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आज से इंडिया में एम्स में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया हमारी वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन। उसका नाम क्या है? कोवैक्सीन का। सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस सक्सेसफुल है। सुबह के 11:30 एंड हम निकल गए मैं और रिचा आज दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें दिल्ली में कुछ काम है। यहाँ होता था हमारा गोल्फ शोरूम, सबसे फर्स्ट गोल्फ शोरूम जो दिल्ली में हमने खोला था आज से 25 साल पहले, 95 में खोला था। तो यहाँ होता था बेसमेंट में नीचे, ये तो घर से बहुत पास था, घर इसके पीछे ही होता था, घर यहाँ से पीछे जाके ही होता था इस गली के पीछे राइट हैंड साइड पे। ये होगी हमारी ई ब्लॉक गली। ये मार्केट बहुत फेमस होती थी, यहाँ पे लोग बचपन में आते थे साइकिल चलाते चलाते। ये वाला हमारा घर होता था, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अब तो किसी और ने बना दिया। एंड ये हमारे नेबर्स है, लेफ्ट साइड में जो ये स्कूल बन रहा था उसके बाद यहाँ पे कभी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं, आई थिंक डिस्प्यूटेड लैंड थी जिसकी वजह से फिर हुआ ही नहीं और ये ऐसे ही खंडर का खंडर रह गया। ये ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी बॉल जाती थी तो यहाँ पे हम चढ़ के निकालते थे अंदर जाके। ये है हमारा GK2 का पार्क जहाँ पे हम बचपन में खेला करते थे, यहाँ पे होता था क्रिकेट, अब तो यहाँ पे झूले लग गए, यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे इस दोनों जगह, तो पूरा चेंज हो गया पार्क। बॉल खो जाती थी हमारी यहाँ पे अंदर, तो एक एक घंटा बॉल ढूंढने में लग जाता था एंड फिर अगर बॉल नहीं मिलती थी तो नई बॉल लेने जाओ यहाँ पे मार्केट में। आजकल के पार्क्स में ये जिम्स, ओपन जिम सेटअप किए हुए हैं,
पता नहीं लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे नहीं करते, बट करना चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स हैं देखो, यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे, ये हमारे विकेट होती थी एंड सब ये सब खाली होता था। आगे जाके आगे से वहाँ से उस वाले पेड़ से बॉलिंग होती थी, यहाँ पे बैटिंग होती थी एंड जहाँ पे वो हट बनी उसके पीछे छक्का। अब यहाँ पे जिम बना दिए पूरा। हमारा स्पेशल लंच मसाला फ्राइज एंड वेज पिज़्ज़ा थिन क्रस्ट विथ हेज़लनट कॉफ़ी, कैसा लग रहा है एक्चुअल? ये हमारी जी है जी के टू की एम ब्लॉक मार्केट, यहाँ पे हम बहुत आते थे बचपन में एंड अभी हमने यहाँ पे लंच किया है। ये बहुत फेमस बेकरी है, अगर आप आए नहीं हो तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, पर अच्छा है, यहाँ पे आके अच्छा लगता है बहुत। रिचा की फेवरेट, सबसे फेवरेट चीज़ प्लांट्स। रिचा को दिख गए तो रिचा का मन किया नहीं मुझे देखना। बच्चे टॉय शॉप में नहीं जाके खुश हो जाते हैं, एकदम अंदर जाके भाग जाते हैं, अंदर ही घुल मिल जाते हैं, वैसे हो जाता है रिचा के साथ। कौन सा है ये ऊपर तक जाती है डेली? हाँ जी बिल्कुल, आप इसको सहारा दे देंगे एक महीने में पूरा फैल जाएगी। ये एक और ले लिया रिचा ने प्लांट्स, एक ये ऊपर क्लाइंब करता है, क्लाइंबर है। और ये ताबड़तोड़ बारिश हो रही है यहाँ पे दिल्ली में, बस वाटर लॉगिंग ना हो वो सबसे बड़ी दिक्कत है दिल्ली की। बड़ी तेज बारिश हो रही है, एकदम से शुरू हुई है। ये गाना और एक ये मौसम, क्या सही कॉम्बिनेशन मैच कर रहे हैं, परफेक्ट सॉन्ग फॉर परफेक्ट वेदर। की दूसरी शॉपिंग चल रही है, आज घर से बाहर निकली तो सोचा सब कुछ खरीद लो। रिचा क्या उम्मीद है, सब कुछ खरीद लोगे? हाँ सारी चीज़ आ जी। अगर आपको पॉट्स चाहिए तो यहाँ पे ये है, गुड़गांव से जब एंट्री करते हो, गुड़गांव एंट्री करते हो गुड़गांव बॉर्डर के बाद पॉट्स मार्केट मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे पॉट्स है लाइन से एंड बड़े अच्छे अच्छे पॉट्स है। एक्चुअली हमारी सब्जी आई हुई नीचे टावर के नीचे, तो फिर गार्ड ने क्या किया, गार्ड ने उठा लिफ्ट में रख दिया, बटन प्रेस कर दिया आपको अपने आप लिफ्ट बस, और ये आ गई। ये देखो क्या ट्रीटमेंट है, VVIP की तरह आई है। और अभी बज रही रात के 10:30 एंड रिचा कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा था, टायरिंग भी था एंड अच्छी आउटिंग होगी। जो ड्राइव करता है ना उसको पता चलता है कि कितना टायरिंग है, ठीक है। अच्छा रहा दिन, रिचा को मैं सही जगह दिखाई जहाँ पे हमारा बचपन था, जो जैसे हम बड़े हुए, जो पार्क आपने जो जैसे देखा पार्क, उस पार्क में हम खेला करते थे, तो अलग सी मेमोरीज याद ताज़ा। अब आपसे मिलते हैं कल, होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लग रहेगा, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो पता नहीं क्या करना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बट हाँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आपसे मिलते हैं कल एक और स्टोरी के साथ एंड इधर बाय बाय।